नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 को लेकर जामताड़ा जिले की प्रखंड सह अंचल कार्यालय नारायणपुर में सोमवार को अभ्यर्थियों का नाम वापसी लिया गया, जिसमें अंचल कार्यालय नारायणपुर में अंचलाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी प्रदीप कुमार महतो के समक्ष नारायणपुर प्रखंड के चार मुखिया पद के अभ्यर्थियों ने अपना नाम वापस लिया, जिसमें बुधुढ़ी पंचायत से लील मुनि किस्कू, नारायणपुर पंचायत से विभीषण सोरेन तथा पबिया पंचायत से बहामुनि बास्की एवं परिमल बेसरा ने मुख्य पद से अपना उम्मीदवारी नाम वापस लिया। वहीं प्रखंड विकास कार्यालय नारायणपुर में प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रभाकर मिर्धा के समक्ष नारायणपुर प्रखंड के 6 वार्ड सदस्य पद के अभ्यर्थियों ने अपना नाम वापस लिया, जिसमें नारायणपुर प्रखंड के बंदरचुआ पंचायत के वार्ड 9, मदनाढी पंचायत के वार्ड नंबर 4, रूपडी पंचायत के वार्ड 6, मंझलाढी पंचायत के वार्ड 6, दिघारी पंचायत के वार्ड 6 तथा नयाढी पंचायत के वार्ड 1 के वार्ड सदस्य पद के उम्मीदवार ने अपना नाम वापस लिया। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 को लेकर आगामी 4 मई 2022 को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा तथा चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद आगामी 19 मई 2022 को दूसरे चरण में नारायणपुर प्रखंड में मतदान होगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 को लेकर नारायणपुर प्रखंड क्षेत्र में 326 वार्ड हैं, जिसमें से 161 वार्ड में 19 मई 2022 को चुनाव होना, जबकि 142 वार्ड सदस्य पद के उम्मीदवार ने चुनाव से पूर्व निर्विरोध जीत हासिल कर ली है तथा 23 वार्ड में नामांकन नहीं होने के कारण रिक्त रह गए हैं। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 को लेकर प्रखंड सह अंचल कार्यालय नारायणपुर में सोमवार को अंचलाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी प्रदीप कुमार महतो ने नारोडीह पंचायत से निर्विरोध चुनाव जीतने पर नारोडीह पंचायत के मुखिया सुबोधी सोरेन को प्रमाण पत्र सौंपे तो वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी प्रभाकर मिर्धा ने नारायणपुर प्रखंड के निर्विरोध चुनाव जीतने वाले 142 वार्ड सदस्यों को बारी बारी से प्रमाण पत्र सौंपे। मौके पर भ्रमणशील पशुपालन पदाधिकारी श्रीनिवास सिंह, कनीय अभियंता आशीष कुमार, तापस लायक, सीआरपी राधवेंद्र नारायण सिंह, सोहन कुमार के अलावा कई कर्मी मौजूद थे।